हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज मूव्ड टुवर्ड द राइट विद कॉन्स्टेंट स्पीड वी नॉट। साइड 20, रेजिस्टेंस 1 ओम और मूव कर रहा है राइट में। द राइट आर्म ऑफ द लूप इज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। जो राइट आर्म है ना, केवल ये वर्ड यूज किया, राइट आर्म ऑफ द लूप इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब केवल इस लूप की राइट आर्म ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये ऐसा साफ बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप इज गोइंग इन टू इट। ठीक है, और 5 टेस्ला दे रखा है। द लूप इज कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस ईच 4 ओम, ये गिवन है। ठीक है, वॉट शुड बी द वैल्यू ऑफ वी नॉट सो दैट स्टडी करंट, मतलब कॉन्स्टेंट करंट 2 mA फ्लो इन द लूप। ठीक है, चलिए देखो, इसमें इंड्यूज करंट की वैल्यू हमें वैसे गिवेन है, आई की वैल्यू लूप के अंदर, और 2 mA है। अगर हम इंड्यूज ईएमएफ इक्वल टू टोटल मोशनल ईएमएफ डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस होता है ना। तो अगर हम टोटल टोटल मोशनल ईएमएफ निकाल लें, इंड्यूज ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें और यहाँ पुट कर दें और तो सॉल्व कर लें, फिर निकल आएगा आपका। चलिए सबसे पहले हम इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकालें वो जरा देखें। तो देखो, इस लूप का केवल ये वाली आर्म नाम डाल देता हूँ, पी क्यू आर एस। इस लूप की केवल ये वाली आर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ऐसा बोला है। द राइट आर्म ऑफ द लूप इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इस वाली आर्म में इसे 4 वायर में आप अलग अलग सेपरेट कर लो, ऐसे लूप को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, एक पी क्यू आर्म, एक पी एस और एक आर क्यू और एक पी एस है। तो मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है, मोशनल ईएमएफ, अगर कोई रॉड है या कोई वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काटते हुए चल रहा है, जैसे ऐसे मान लेता हूं, पहले जनरल किस बता देता हूं, ये वायर है, इसकी ये लेंथ एल है और ये मूव ऐसे कर रहा है वी वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जो जनरल केस होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, वायर के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ वायर, ई इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर होता है, ये जनरल है बेटा। अब इसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे एक केस आपका, एक स्पेशल केस है ये, फर्स्ट केस, जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, ये तो हमेशा वैलिड है। इसका एक केस होता है स्पेशल ये वाला, कि जब आपका तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड। तो इस रॉड के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड डेवलप होता है एंड के अक्रॉस होता है वी बी एल। अगर सेकंड केस, ये भी स्पेशल केस में ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं ये जनरल है बेटा आपका। तीनों में से कोई भी दो पैरेलल हुए, आप इस फॉर्मूले में ये वाली कंडीशन अप्लाई करोगे ना, कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर सॉल्व करोगे तो यही आएगा। पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालो वी क्रॉस बी का, फिर जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाले के उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और ये तीनों अगर पैरेलल हैं, तीनों में से कोई सा भी एक पैरेलल है, कोई भी एक पेयर दे रखा हो, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होता है। ये दो केस याद रखिए, स्पेशल केसेस हैं, ये आपका जनरल केस है। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि वी क्रॉस बी कौन सा एंड हायर होगा और कौन सा लोअर पोटेंशियल पर होगा। वो कैसे पता करते हैं? वी क्रॉस बी की दर्शन से। वी क्रॉस बी की दर्शन जो होगी, अगर एक मैग्नेटिक फोर्स होता है एफ एम क्यू वी क्रॉस बी, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वी क्रॉस बी की जो दर्शन है वही एफ एम की दर्शन है, और वी क्रॉस बी के जस्ट अपोजिट दर्शन में होगा। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो वी क्रॉस बी की दर्शन और एफ एम की दर्शन अपोजिट हो जाएंगे। तो वी क्रॉस बी की दर्शन निकाल लो, उससे मालूम पड़ जाएगा कौन सा हायर है कौन सा लोअर है। जैसे इसमें बताएं, तो वी राइट हैंड की फिंगर वेलोसिटी वेक्टर दर्शन में, और वी से बी की तरफ छोटे एंगल से घुमाओ अपने फिंगर को, तो नीचे तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो वी से बी की तरफ घुमा रहा हूं ऐसा, थंब इधर आ रहा है, थंब वी क्रॉस बी की दर्शन है। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो वी क्रॉस बी की दर्शन जो है ये आई,
इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकुलर फोर्स ऊपर लग रहा होगा और नेगेटिव पर नीचे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। जिधर वी क्रॉस बी की दर्शन वही पॉजिटिव होता है। वैसे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ओनली, है ना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करते, समझ में आया। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नीचे लगेगा तो इलेक्ट्रॉन नीचे चले जाएंगे। चलिए ये समझ में आ गया, अब करते हैं इसको। तो देखो इसमें तो कोई इंड्यूस डेवलप नहीं होगा, केवल इस सेक्शन को देखें तो इसमें कोई इंड्यूस डेवलप नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी वी नॉट लेंथ पैरेलल है, इसीलिए इसमें इंड्यूस ईएमएफ जीरो। इसमें भी कोई इंड्यूस डेवलप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी पैरेलल है, तो इसीलिए इसमें भी इंड्यूस ईएमएफ जीरो। ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है सर, ऐसा कहाँ है क्वेश्चन में, डायग्राम जो बनाया है थोड़ा सा अजीब सा आया, लेकिन यहाँ पर लिख दिया है द राइट आर्म ऑफ द लूप इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। साहब बोला कि केवल राइट आर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना, बाकी बाहर आर्म्स है, तो इसमें कोई इंड्यूस डेवलप नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, केवल ये वाली आर्म में इंड्यूस डेवलप होगा, क्योंकि वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ इस रॉड की, ये वाली साइड 20 सेंटीमीटर की है, ये वाली साइड भी 20 सेंटीमीटर होगी, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहे हैं, तो इसीलिए इस आर्म में पी क्यू आर्म में इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा वी नॉट बी एल। ठीक है, और दर्शन निकालना चाहें कि कौन सी पॉलिटी हायर पोटेंशियल होगा कौन सा लोअर पोटेंशियल होगा, तो वी क्रॉस बी, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे है तो वी क्रॉस बी, तो ये आया ऐसे, तो वी क्रॉस बी की दर्शन कुछ ऊपर की तरफ आ रही है ये, इसीलिए ये हायर और ये लोअर, इसीलिए यहाँ एक आप इसे सेल की तरह से ट्रीट कर सकते हो कि ये पॉजिटिव एंड और ये नेगेटिव एंड। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि करंट की दर्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, हाँ होती है, लेकिन सेल के बाहर, सेल के अंदर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होती है, तो करंट की दर्शन ऐसे दिखाना बेटा, इंड्यूस करंट दर्शन, ठीक है, ऐसे इसमें से होते हुए फिर वापस इसमें आ जाएगी ऐसे, और ऐसे सेल के अंदर, सेल के बाहर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और सेल के अंदर लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, करंट के दर्शन हो गई। तो करंट इतना इंड्यूस डेवलप हो रहा है, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस और निकालना पड़ेगा आपको। तो देखो ये करंट ऐसे आएगी, तो ये वाला यहाँ दो पार्ट में डिवाइड होगी, इसमें आई वन इसमें आई टू, तो ये करंट ऐसे आएगी तो ये आई वन, ये करंट ऐसे आएगी तो ये आई टू, वापस मिल के आई, तो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो चार और चार आठ हो गया, इनका टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम हो गया, ये भी सीरीज में हो गए तो इन दोनों का भी 8 8 ओम हो जाएगा, फिर ये 8 ओम और 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल ओम कॉम्बिनेशन, तो 8 और 8 का पैरेलल करो 1/8 + 1/8 2/8 1/4, टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम, यहां इसका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 ओम, और इस स्क्वायर लूप का जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम दे रखा है, तो इसको अगर मैं सिंगल एक रेजिस्टेंस से कर लूं तो ये 4 ओम है ऐसा, ये हटा दूं सब, तो ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओम और ये 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट सेम चलेगी आप देखो ऐसे, और सीरीज कॉम्बिनेशन तो टोटल रेजिस्टेंस आया 5 ओम, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो बस, केवल आई बराबर इसकी वैल्यू है वी नॉट बी एल ओवर टोटल रेजिस्टेंस, तो वी नॉट आई की वैल्यू रखी है मैं 2 मिली एम्पियर्स, 2 × 10⁻³, वी नॉट हमें कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला, लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ऐसे मीटर में बदले, ये वाली लेंथ ले रहे हैं बेटा, ये वाली साइड है ना, इस रॉड की लेंथ है ना, इनटू टोटल डिस्टेंस है 5, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 2 से ये 10 बार, 10 से ये 10⁻¹, तो वी नॉट आ गया, इसको धर लेके आएंगे तो 10⁻¹³ और 10⁻¹, तो ये ऊपर जाए तो +1 हो जाए तो −2 मीटर पर सेकेंड आएगा बेटा। थोड़ा सा यहाँ गलती मत कर देना कि ये चॉइस हो गई 10⁻², देखे ऐसा सिस्टम में किया सर, ये सेंटीमीटर पर सेकंड लिख रहा है ना, देखो चॉइस भी दे रखी है उसने, तो इसे लिख लो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऐसे है ना, ये डी चॉइस इज करेक्ट, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।